मंगल पांडे अमर है। जिंदाबाद 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 मंगल पांडे अमर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर क्रांतिकारी शहीद मंगल पांडे की 165वीं शहद दिवस शहीद स्थल तेजनाथ मंदिर के सामने मनाई गई। शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति द्वारा शहीद स्थल पर मंगल पांडे की शहद दिवस मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षक नेता अमृत कुमार सिंह ने किया। अध्यक्ष संबोधन में शिक्षक नेता अमृत कुमार सिंह ने कहा कि मंगल पांडे का जन्म 1827 को हुआ था और 1857 में आज ही के दिन उनको फांसी दे दी गई। ऐसे क्रांतिकारी मंगल पांडे अंग्रेज के सिपाही रहते हुए भी विरोध कर दिया, क्योंकि उस समय जो गोली बनाई जाती थी उसमें गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी मिलाकर बनाई जाती थी। हिंदू मुस्लिम दोनों को भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेज सरकार ने ऐसा किया, इसलिए मंगल पांडे को इसका विरोध करने के लिए उनको कैद कर लिया गया। कैद से पहले मंगल पांडे ने अपने ही बंदूकों से अंग्रेज के पदाधिकारियों को भून डाला। ऐसे महान क्रांतिकारी मंगल पांडे जो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाई। क्रांतिकारियों में बौखलाहट छा गया, जिसमें खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, वीर कुंवर सिंह, उद्धम सिंह, अनेकों क्रांतिकारियों ने इस घटना से खून खोल उठा। ऐसे महान क्रांतिकारियों को सत सत नमन। इस अवसर पर साहित्यकार चंद्रशेखर चौरसिया ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम पंक्ति के क्रांतिकारी शख्स थे, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी, उनको सत सत नमन है। इस अवसर पर समिति के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार राय ने कहा कि मंगल पांडे 1857 में आजादी के पहले जंग का आगाज किया था। अपनी बंदूक से अंग्रेज लेफ्टिनेंट बाग सर्जन मेजर हडसन को मार गिराने का काम किया था। इस अवसर पर नंदन चौधरी, मोहम्मद इरफान, साई भक्त, रंजित ठाकुर, मोहम्मद जुल्फिकार अली, कमर जावेद और ऐसे कई समाज के लोगों ने महान क्रांतिकारी को सत सत नमन किया। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। मंगल पांडे जी की शहादत दिवस है। ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेज की सिपाही रहते हुए अंग्रेज खिलाफ बिगुल फूका था। आज उनका 165वीं शहादत दिवस है। 1857 में भारत के पहले योद्धा थे जो अंग्रेज के सिपाही रहते हुए अंग्रेज खिलाफ किए। क्यों? उस समय अंग्रेज ने गाय का और शुगर का चर्बी बनाकर गोली बनाया, इसका विरोध किए, इनको पकड़ के फांसी का आदेश दिया और उतने देर में ये बंदूक लिए अपने बंदूक से और अंग्रेज के पदाधिकारियों को तड़तड़ा दिया और उनको पकड़ के 10 दिन पहले उनको फांसी देना था, मगर 10 दिन पहले वो आज ही डेट में 8 तारीख को उनको फांसी दे दिया गया। 8/4/1857 में फांसी दे दिया। ऐसे मंगल पांडे जिनका उत्तर प्रदेश आपको बलिया उत्तर प्रदेश में इनका घर था और अंग्रेज के सिपाही थे जिन्होंने देश के खिलाफ जो अंग्रेज ने बिगुल फूका उसका ही विरोधी थे और सिपाही रहते हुए अंग्रेज के खिलाफ किया। ऐसे महान योद्धा मंगल पांडे की आज 165वीं शहादत दिवस पर शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चंद्रशेखर चौरसिया जी हमको देहदान शहीद दान समिति के जिला अध्यक्ष सुशील राय जी अनेक गणमान्य व्यक्ति इसमें भाग लिए। अब मैं चाहूँगा चौरसिया जी मात्र 1 मिनट पर अपना विचार